A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक आय की रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है, यानी कि उसकी डेप्थ गहराई कितनी है 3 मीटर, ओके 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है, 40 मीटर वाइड है एंड इट इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर इसमें फ्लो कर रहा है। तो बेटा अगर हम रिवर को ऊपर से ऑब्जर्व करें, इसका टॉप व्यू देखें, एक्चुअली तो इट्स अ क्यूबॉइडल इन शेप, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, लेंथ भी है कुछ ये, और ब्रेथ भी है और डेप्थ, डेप्थ यानी कि हाइट भी है, तो ये क्यूबॉइडल शेप में है। अब अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये इस रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है हमें, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं हम एक बारी में जितना वाटर कॉलम देख सकते हैं जहाँ तक हमारी नज़र जाती है उसको हम रेक्टेंगल मान लेते हैं, उस रिवर के पोर्शन को हम रेक्टेंगल मान लेते हैं और ये मानते हैं कि उतना ही वाटर 1 आवर में सी में जा रहा है। तो सी में जा रहा है तो उसकी बेटा विड्थ तो 40 मीटर ही रहेगी, डेप्थ में भी कोई चेंज नहीं है, डेप्थ 3 मीटर रहेगी, लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी बेटा ये सोचना है हमें, रिवर की लेंथ क्या होगी। अब हमें कहा है कि रिवर 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है, उसमें वाटर जो है 2 किलोमीटर पर आर, यानी कि 1 आवर में वाटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 किलोमीटर के ऊपर, और डिस्टेंस कवर इज एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ही होती है ना, यानी कि ये जो क्यूबॉइडल कॉलम बना वाटर का, यानी कि कॉलम मतलब एक वाटर का पोर्शन जो कि क्यूबॉइडल शेप में है उसकी लेंथ क्या रहेगी 2 किलोमीटर एंड इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये याद रखना। अब ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इन टू द सी इन वन क्या 1 आवर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड विच इज क्यूबॉइडल इन शेप, जो कि किस शेप में बेटा क्यूबॉइड में की शेप में है, इन 1 आवर, 1 आवर में क्या वाटर कॉलम फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है बेटा। तो अभी क्यूबॉइड शेप में है तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होगा, इसमें लेंथ क्या लेंगे 2 किलोमीटर विच इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अभी देखो बेटा ब्रेथ और हाइट तो हमारी मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सो 2 किलोमीटर में 2 × 1000 2000 मीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम होगी 2000 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन 2,40,000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर विल फॉल इनटू द सीन 1 आवर, 1 आवर का हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सीन 1 मिनट, इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, सिंपल है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60 क्यूब बेटा, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स हैं 60 मिनट है ना, यानी कि 60 मिनट में 2,40,000 क्यूबिक मीटर वाटर है, तो 1 मिनट में 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 4,000 क्यूबिक मीटर, सो वी विल से दैट 4,000 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट।